नमस्कार, अपना पंचे देख रहे हैं विराट की बघेली बुलेटिन सोनू के साथ। खबर रीवा जिला से अब, जहां दैनिक जागरण पेपर की सुरक्षा कर्मी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। बतावा जाता है कि सुरक्षा कर्मी सुरेंद्र मणि मिश्रा अपने घर से साइकिल से ड्यूटी कर रहे गांधीनगर जागरण प्रेस जात रहे। जैसने पी के स्कूल के लगे पहुंचे, तब तेज से आवत रही बुलेट MP17 MR 3453 के चालक लापरवाही से बुलेट चलाए के जोर से टक्कर मार दी, जैसे साइकिल सवार उछल के डिवाइडर में गिर पड़े। उनके मुड़े में चोट लगी, जैसे संजय गांधी अस्पताल में उपचार के दौरान 4 घंटा में दम तोड़ दी। बुलेट चालक राजा पटेल ढे कहा कि रहे वाला आए जेके खिलाफ पुलिस मामला दर्ज करके बुलेट का जब्त कर लेन। हम सिमरिया विधायक के पी त्रिपाठी के द्वारा जनपद सीईओ सिरमौर के साथ गाली गलौच और धमकी दे के बाद हमला करवावे के मामला शांत होए के नाम नहीं लेत लागा। आप पार्टी सिमरिया विधायक के पी त्रिपाठी के खिलाफ मामला दर्ज करके गिरफ्तारी के मांग करी नमा। वहीं जल सत्याग्रह करे के चेतावनी दी नमा। आप पार्टी के ग्रामीण जिला अध्यक्ष प्रमोद शर्मा अपने समर्थकन के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और प्रशासन का ज्ञापन सौंपे नमा। आई अपना को सुनाये थे शहर और ग्रामीण अध्यक्ष पूरे मामला में लेके का कही। पंचायत सिरमौर के जो सीओ के ऊपर जो है, जिस प्रकार से विधायक केपी त्रिपाठी ने षड्यंत्र तरीके से अपने गुर्गो को भेज के 28 लोगों के द्वारा जिस प्रकार मारपीट करवाई, और जिस प्रकार से राजन शुक्ला ने जो है एक दुर्दांत अपराधी को जो है विधायक बनाकर हमारे क्षेत्र को जो सौंपा, उसका दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जिस प्रकार से शासन प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है कि अपराधी जो मारपीट किए वो सारे लोग उसके मित्र थे, कोई मंडल था, कोई कमंडल था, कोई उनके साथी थे, सारे लोग थे। अब केपी त्रिपाठी बता रहे हैं सीओ साहब, मैं क्योंकि मैं खुद लेने सिरमौर गया था, उनको ला के रात को 11:30 बजे मैंने यहाँ पर उनको एडमिशन कराया है। उन्होंने सारी बात मुझसे बताई है, पहली बाइट मैंने ही उनकी ली थी। तो उन्होंने ये बताया कि केपी त्रिपाठी स्वयं उस गाड़ी पे बैठे हुए थे। उसी बात को लेकर आज हम लोग ये कहने आए हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई तो हो गई, लेकिन विधायक सिमरिया के ऊपर ये षड्यंत्र को रचने के लिए, इसको जो है जो षड्यंत्रकारी साजिश है, जिस प्रकार हमारे जो है शहर अध्यक्ष जो है इसके बारे में आपको बताएंगे कि इसमें कौन सी धारा लगी। मैं आपको बता दूँ, केपी त्रिपाठी जी जो भाजपा के विधायक हैं सिमरिया से, उन्होंने अभी हाल में ही आपके पिछले 2 महीने पहले आपके रिया उर्रहट मोहल्ले स्थित शराब की दुकान पर, जहां उनका विधानसभा क्षेत्र नहीं है, वहां पर उन्होंने जबरिया घुस करके उकसा करके लोगों से मारपीट करवाई। उस पर विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई भाजपा द्वारा नहीं की गई, ना ही कोई अपराध दर्ज किया गया, जबकि पीड़ित घायल था, कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्रमोद शर्मा जी के ऊपर 2 साल पहले सिमरिया में जानलेवा हमला हुआ, जिसमें उन्होंने लिखित शिकायत थाना को दिया था, एसपी साहब को दिया था, इनका इलाज दिल्ली तक में चला था। उस पर सिरमौर के विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई पार्टी द्वारा नहीं की गई, पुलिस द्वारा नहीं की गई। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, अभी हाल ही में सत्येंद्र गुड्डा का ऑडियो वायरल हुआ, जिसमें प्रमोद जी द्वारा संज्ञान लिया गया, वो भी केपी त्रिपाठी के मित्र बताए जा रहे हैं। तो केपी त्रिपाठी का जो ऑडियो अभी जो सीईओ के संबंध में वायरल हुआ था, उसमें स्पष्ट रूप से ये पार्टी मान रही है, लोग मान रहे हैं, और खुद केपी त्रिपाठी जी मान रहे हैं, विष्णुदत्त शर्मा जी मान रहे हैं कि ऑडियो जो सीईओ और केपी त्रिपाठी जी के बीच का बातचीत का जो वीडियो ऑडियो है, वो इन दोनों के बीच का ही है, अलग कोई वीडियो में टेम्परिंग नहीं की गई है, ऑडियो में टेम्परिंग नहीं की गई। तो ऑडियो है क्या? ऑडियो में केपी त्रिपाठी जी धमका रहे हैं, और धमका किस दे रहे हैं? उन्हीं लोगों के पक्ष में जो लोग इस केस के मुलजिम बनाए गए हैं, विवेक के पक्ष में धमका रहे हैं सीईओ को, आपका बनकुइया मंडल के पक्ष में धमका रहे हैं सीईओ को, जो इस केस में मुलजिम बनाए गए हैं। सीईओ साहब ने स्पष्ट रूप से 3 लोगों का नाम बताया है कि ये लोगों को मैं जानता पहचानता हूँ, और 15-20 लोग और थे जिनको मैं चेहरे से जानता हूँ लेकिन नाम से नहीं पहचानता। उन लोगों ने मारपीट की, और मारपीट कब हुई? मारपीट जब सीईओ साहब के और उनके विधायक जी के बातचीत हुई, और विधायक जी ने सीधे तौर पर बातचीत में ये कहा है, ऑडियो में पत्रकार महोदय भी सुने होंगे, आम जनता भी सुनी होगी, कि उसने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं तुम्हारा ट्रांसफ़र नहीं कराऊंगा, तुम खुद अपना ट्रांसफ़र कराने के लिए मजबूर हो जाओगे, मैं तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करूंगा। तो जहां पर धमकी खुले तौर पर दी जा रही है कि तुम मजबूर हो जाओगे, तुमको मैं सीधे तौर पर टारगेट करूंगा, और टारगेट करने की धमकी देने के पश्चात उन्हीं के आदमी जिनके खिलाफ सीईओ साहब ने रिपोर्ट की है, पूर्वक पथाल के पास जाकर जानलेवा हमला करते हैं, उनके ऊपर खतरनाक रूप से मारपीट करते हैं, और उनकी रिपोर्ट से मरिया थाने में लिखी नहीं जा रही है। भाजपा का प्रशासन जो है, एक प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ मारपीट होती है, और भाजपा का प्रशासन होने के बावजूद यहाँ पर भाजपा के विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। सीओ साहब अपने मानसन कथन में, जो प्रमोद शर्मा जी ने रिकॉर्ड किया हुआ है, उसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि ये मेरे खिलाफ जो हमला हुआ है वो
सिरमौर सिमरिया के विधायक केपी त्रिपाठी जी को कड़क कराया गया है। तो 100 रीवा में एसपी लोकायुक्त गोपाल सिंह के पुरी की धरपकड़ की कार्यवाही भई। विवाद के बीच में चलत रही मनगवा तहसील के एसडीएम कार्यालय में पदस्थ रीडर कमलेश तिवारी का लोकायुक्त टीम ट्रैप कैलिहीन। हम बतावा जात है कि रीडर कौनो फैसला कलई के किसान से 10,000 के रिश्वत मांगत रहे, जेकर शिकायत किसान पुलिस अधीक्षक से करिंजे के बाद मामला के जाँच कराई के यह कार्यवाही किए गए। इसमें आवेदक हैं विपुल मिश्रा जो सैमरी कला के रहने वाले हैं, बेसिकली एक कृषक हैं, खेती का काम करते हैं। इनका एक पड़ोसी जो जमीन विवाद एक अन्य कृषक से चल रहा था, उसकी जो सुनवाई तहसीलदार के न्यायालय में हुई थी, उसकी अपील जो है एसडीएम उस केस के अगेंस्ट में अपील हमने की थी एसडीएम जो न्यायालय है उसमें इनका मामला चल रहा था। उसी मामले को जो स्थगन दिया था उसको हटाने के लिए और दूसरा अपने फेवर में फैसला कराने के लिए एसडीएम का जो रीडर है तिवारी उसके द्वारा कमलेश तिवारी के द्वारा इसमें जो है 10,000 रुपये की रिश्वत मांगी गई, 2,000 रुपये पूर्व में ले चुका था। आज जो है एसडीएम कार्यालय मनगवा में लोकायुक्त की टीम के द्वारा कमलेश तिवारी को 10,000 रुपये की नकद रिश्वत देते हुए ट्रैप किया है। अभी वर्तमान में कार्रवाई चल रही है। सर इसमें उसके एसडीएम के वो ड्राइवर चालक का भी यहाँ पता जा रहा था। हाँ, उसी के द्वारा उसने जो पैसा जो है डायरेक्ट ना लेकर डायरेक्ट ड्राइवर के द्वारा लिया है, तो हम उस पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। हरिजन मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सहित विधायक सांसद मुर्दाबाद के नारा लगाई। नमा मामला रीवा जिला के तोथर बिजली डिवीजन के कटरा विद्युत वितरण केंद्र कैथा हरिजन बस्ती के जरे ट्रांसफार्मर किया है। बतावा जाता है कि राजीव गांधी विद्युतीकरण मिशन के ट्रांसफार्मर पिछले एक साल से जरा हब है, जेका बदलई कलई के किसान आवाज उठाई। नमा आई अपना का दिखाए थे विरोध प्रदर्शन और सुनाई थे गाँव वाले का कहिन। हाँ, ये यहाँ आते हैं बड़े बड़े विधायक, पंचूलाल विधायक हो गए तो यहाँ आते हैं वोट मांगने के लिए, वोट ले जाते हैं। यहाँ बिजली हमारे यहाँ अंधेरा है, आज करीब एक साल हो गया ना यहाँ कोई ध्यान देता, ना प्रधानमंत्री ना मोदी ना कोई। हाँ, एक सब लोगों को कोई के सांप किसी के बिच्छू खा लेती है, यहाँ कोई मतलब देख करने वाला नहीं है। हम यहाँ पढ़ नहीं पाते, हमको मच्छर बहुत खाते हैं, साल भर हो गया ये बिजली नहीं जल पाती, हमको मच्छर खाते हैं, देखिए पैर में लग गई, इसमें भी खाते हैं मच्छर लोग। लाइट नहीं आती है, कोई सरकार मोदी जी वोट मांगने उनके वो लोग आते हैं तो हमको बिजली नहीं देते, कहते हैं वोट दो वोट दो, हम वोट देते हैं तो बिजली नहीं देते। नाम पूनम साकेत है, एक साल से लाइट नहीं आई है, हम लोगों को सांप खा लेता है, बिच्छू खा लेता है, तो कोई नहीं सुनते हैं। नहीं है, अंधियारा रहते सांप खा ले, लड़कियाँ अंधेरे पढ़ते हैं, आते हैं जाते हैं कि गली रास्ता नहीं है, और वहीं में जो नेता सब कुछ वोट ले कर फिर सब मोदी आवत है, सरकार आवत है, हमका दे और जो नेता कोई दिखाई नहीं आई है। एक ग्राम कैथा में ट्रांसफार्मर जल गया है, आज साल भर हो गया। ये पंचूलाल सरपंच है, इनको भी हम लोग 4 बार 5 बार बोला, कोई सुनाई नहीं कर रहे हैं, बोलते हैं करवाएंगे करवा नहीं रहे। पंचूलाल मुर्दाबाद, जनार्दन मिश्रा मुर्दाबाद, सांसद जनार्दन मिश्रा मुर्दाबाद, शिवराज सिंह चौहान मुर्दाबाद, बात करी थे रीवा जिला के गुड़ थाना क्षेत्र के, जहां गैंगरेप के आरोपी दीपक सोनी और अभिषेक सोनी का पुलिस गिरफ्तार कई के न्यायालय में पेश कई के जेल भेज दी। नवा किशोरी का खजुलैया दई के लौटत समय बंधक बनाए के आरोपी गैंगरेप करी। नवा आरोपी रक्षाबंधन के दूसरे दिन बंधक बनाए के हवस के शिकार बनाए रहे। खबर रीवा से अभी, जहां जनपद सीईओ के ऊपर हमला करे वाले भाजपा के 3 पदाधिकारी का पद से हटाए दिन गह। आरोपी बनाए गए भाजपा मंडल अध्यक्ष बनकुइया मनीष शुक्ला उर्फ सिद्धू, विवेक गौतम मीडिया प्रभारी सिमरिया और भाजपा नेता विनय शुक्ला के ऊपर निष्कासन की कार्यवाही भई। अपना का बताए दे सिरमौर जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एसके मिश्रा के ऊपर जानलेवा हमला करावा गया। हमला में पुलिस तीनों आरोपी का पहचान लेन और यह कार्यवाही भय। आज खातिर इतना, बघेली में बिंदी के समाचार देखे खातिर बने रही विराट के साथ, नमस्कार।